साथियों, 21वीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और ना ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। हम कमर कस चुके हैं, हम रिफॉर्म्स का रास्ते पर हर सेक्टर में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। बीते 5 वर्षों में देश का निर्यात 6 गुना बढ़ा है। 2021-22 में हमने अब तक के रिकॉर्ड 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा के एक्सपोर्ट को, उस आंकड़ों को हमने पार कर लिया है। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी टेक्नोलॉजी को, जिसकी मार्केट को और जिसके बिजनेस को सबसे कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। इसके बावजूद भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर भीतर अपने यहां डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर 5 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। इस दौरान किए गए प्रयास भारत के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करेंगे। अब यहां से भारत दुनिया के सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल होने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगा और इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर और इन्वेस्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। आज मैं भारत के प्राइवेट सेक्टर से आह्वान करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा भारत के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। भारत में डिफेंस सेक्टर में आपका हर इन्वेस्टमेंट भारत के अलावा दुनिया के अनेक देशों में एक प्रकार से आपका व्यापार कारोबार के नए रास्ते बनाएगा। नई संभावनाएं, नए अवसर सामने हैं। भारत का प्राइवेट सेक्टर को इस समय को जाने नहीं देना चाहिए।